नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की ओर से बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित कई बड़े बीजेपी नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ बीजेपी में जान फूंकने के लिहाज से ये आयोजित की जा रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं। मोहित, बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन बड़े नेता शामिल हो रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत के नजरिए से कह सकते हैं कि आज शाम को 6 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी वॉर रूम में एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे। और रणनीति इस बात को लेकर बनाई जाएगी कि 2023 में किस तरीके से किस रूप में चुनावी मैदान में उतरा जाए और इसके अलावा जो राज्य सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ किस तरीके से जो है आंदोलन किया जाए। पार्टी में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, क्या उसको लेकर भी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी हैं वो नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर कई इलाकों का दौरा कर चुकी है। एक समीक्षा रिपोर्ट लेके वो दिल्ली पहुंची है। उस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, विस्तार से रणनीति बनाई जाएगी और आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां की भी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बनाई है। जो मौजूदा वक्त में भूपेश बघेल की सरकार है, किस तरीके से उसको आड़े हाथों लिया जाए, अब देखने वाली बात यही होगी कि इस महामंथन से निकलता क्या है और किस तरीके से बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर पाती है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए।